हाय हफ्जिया के जहान में वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम बनाने जा रहे हैं पॉपकॉर्न की रेसिपी जो कि जस्ट लाइक थिएटर टाइप होगी और डिफरेंट फ्लेवर्स में जो कि थिएटर में अवेलेबल होते हैं। तो ये फैंटास्टिक 5 फ्लेवर्स में बनाने के लिए हमको सिर्फ लगेंगे 10 मिनट्स। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं प्रेशर कुकर। इसके ढक्कन को बिल्कुल बंद नहीं करना है जैसे नॉर्मली बंद करते हैं वैसे, या फिर आप कोई भी मोटे तले का बर्तन इसके जगह पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मकई के दाने ले रही हूँ, ये 200 ग्राम्स के हैं, किसी भी किराने की दुकान में आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर आप ऑयल की जगह पर नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हो जो कि पॉपकॉर्न डायरेक्ट नमक में मिला के बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑयल और बटर यूज़ कर रही हूँ ताकि इसका और अच्छा फ्लेवर आ सके, इसलिए मैंने यहाँ पे बटर भी ऐड कर लिया है। सारे के सारे हम लोग पहले प्लेन पॉपकॉर्न बना के ले लेंगे, फिर हम इनके अलग अलग फ्लेवर्स बना के अलग कर लेंगे, अलग अलग फ्लेवर्स में बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मकई के दाने यानी कॉर्न सीड्स मिक्स कर दिए हैं इसमें, और इनको अच्छे से पॉपअप होकर जैसे ही ऊपर आना शुरू होते हैं तो हम इसके लिड को प्रेशर कुकर के लिड को बंद कर देंगे। याद रहे फ्रेंड्स, प्रेशर कुकर का लिड में बिल्कुल भी रबर गैसकेट को निकाल देना है और सीटी भी नहीं होनी चाहिए। हम लोग इसको बिना सीटी और बिना गैसकेट के ही तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 स्पून जितना सॉल्ट ऐड कर लिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हर 1 मिनट में हम लोग को इस तरह से प्रेशर कुकर को हिलाना है, सिर्फ 2 मिनट्स में बनके तैयार हो जाएंगे। बस आप इतना याद रखिएगा कि ये जब तक इसके अंदर से पॉपअप होने का साउंड आता रहेगा तब तक फ्लेम को आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना है, लो फ्लेम पे ही, मीडियम से लो फ्लेम तक ही रख के बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 2 मिनट्स के अंदर ये पॉपकॉर्न तैयार कर लिए हैं। बटर वाले ऑयल और बटर यूज़ किया है मैंने बनाने के लिए, तो ये एक साथ मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अभी मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ टर्मरिक फ्लेवर वाले जो के बाहर स्ट्रीट वगैरह में मिलते हैं, उस तरह के पॉपकॉर्न बनाना सिखाते हैं हम। प्रेशर कुकर में हमारा थोड़ा सा नमक बचा हुआ था तो मैंने यहाँ पर नमक नहीं ऐड किया है, और ये 50 ग्राम्स जितने मैंने पॉपकॉर्न सीड्स डाल दिए हैं इसके अंदर, इनको भी सेम मेथड से बनाना है। बस टर्मरिक याद रहे कि हम लोग बाद में डालेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पहले इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर देंगे तो पूरा इसका तला जल जाएगा, यानी बॉटम में पूरा ब्लैक हो जाएगा, मकई के दाने फटने लगेंगे। जैसे हमको फौरन इसके ढक्कन को बंद कर देना है प्रेशर कुकर के, और इसमें बिल्कुल भी गैसकेट यानी ढक्कन वाला रबर नहीं होना चाहिए और ना ही सीटी होनी चाहिए। 1 मिनट हो चुका है तो इसको इस तरह से हिलाना है। टोटल 2 मिनट्स के अंदर ये तैयार हो जाएंगे। जैसे ही इनका साउंड बंद हो जाएगा यानी कि अंदर से प्रेशर कुकर की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी तो फ्लेम बंद कर देंगे। यहाँ पे मैंने दूसरे पैन को गरम कर लिया है। हम बनाएंगे अभी कैरमल पॉपकॉर्न, तो उसके लिए 2 टेबल स्पून जितनी शुगर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मली कम से कम 4 टेबल स्पून ले लेना, मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी क्वांटिटी ही बना रही हूँ कैरमल पॉपकॉर्न की, क्योंकि जितने पॉपकॉर्न मैंने लिए हैं उसमें मुझे कम से कम 5 फ्लेवर बनाना है आज, तो इसलिए मैंने यहाँ पे शुगर का कम यूज़ किया है। आप कम से कम 4 टेबल स्पून यूज़ कर लेना। शुगर यहाँ पर मेल्ट होने लगी है तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वेनिला एसेंस। इसको भी अच्छे से स्टर करके मिक्स कर लेंगे। शुगर को अच्छे से डिसॉल्व होने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून जितना बटर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून शुगर के लिए 1/2 टीस्पून बटर ऐड किया है। इसको भी स्टर करके अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। बटर इसमें अच्छे से एक बार मिक्स हो जाए तो आप इसके साथ ही साथ बेकिंग सोडा भी 1/4 टीस्पून जितना ऐड कर देना, जिससे कि इसमें बहुत अच्छा टेक्सचर आ जाएगा, फोमी टेक्सचर और कलर कैरमल पॉपकॉर्न जैसा कलर भी इसका अच्छे से निखर के आ जाएगा। तो ये मैंने तैयार कर लिया है कैरमल, तो इसमें मैं ऐड करें पॉपकॉर्न कुछ इतने, इनको ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये मिक्स हो जाएगा तो थोड़ा कड़क टाइप में हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। इसको ठंडा होने के बाद हम लोग थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो ये सेपरेट हो जाएंगे। और अब बनाएंगे हम लोग टोमेटो फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न।
उसके लिए आप टोमेटो पाउडर यूज़ कर सकते हो, जो कि कहीं भी किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको मिल जाएगा इजीली। अगर नहीं अवेलेबल है तो आप टोमेटो केचप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे टोमेटो केचप तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना लेके इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है मैंने। अब इसमें भी 1 टीस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। बटर हम यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये इजीली पॉपकॉर्न के अंदर इसका फ्लेवर आ सके, यानी बटर की चिकनाहट से सारे के सारे पॉपकॉर्न के अंदर ये सारा फ्लेवर, टोमेटो फ्लेवर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, यानी कि अप्लाई हो जाएगा पॉपकॉर्न के ऊपर। तो ये हमारे टोमेटो फ्लेवर्स के पॉपकॉर्न एकदम बन के तैयार हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट हम आपको बनाना सिखाएंगे चीज़ फ्लेवर वाले पॉपकॉर्न। तो ये कुल मिला के हमारे 5 पॉपकॉर्न भी बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये हमारे टोमेटो फ्लेवर्स तैयार हो गए हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट चीज़ फ्लेवर में बना देंगे। ये मैंने चीज़ पाउडर ले लिया, जो कि किसी भी ग्रॉसरी शॉप सुपरमार्केट में मिल जाएगा आपको आसानी से। तो इसमें मैं पॉपकॉर्न मिला के इसमें चीज़ पाउडर अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत लगेगी उतना आप ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे चीज़ पाउडर मिला रही हूँ कुछ इतना। तो मेरे ये चीज़ फ्लेवर के पॉपकॉर्न इजीली बस इसको स्टर कर देंगे तो बन के तैयार हो जाएंगे। मेरे 5 फ्लेवर्स आज बना के मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि थिएटर में कॉमनली अवेलेबल रहते हैं और हर कोई सारे के सारे पॉपकॉर्न एक साथ नहीं खा पाता है, क्योंकि इसके प्राइजेस जो इतनी ज़्यादा रहती हैं। हमने बना के तैयार कर लिए हैं 5 फ्लेवर्स जो थिएटर में अवेलेबल रहते हैं। तो ये लीजिए, तैयार है हमारे 5 फ्लेवर्स के पॉपकॉर्न। टर्मरिक पॉपकॉर्न, कैरामल पॉपकॉर्न, चीज़ पॉपकॉर्न, सॉल्टेड पॉपकॉर्न और टोमेटो पॉपकॉर्न। ये 5 फ्लेवर्स जो कि थिएटर में अवेलेबल रहते हैं, सारे के सारे एंजॉय करना घर पे ही बहुत ही सस्ते और इजी तरीके से। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना।